मध्य प्रदेश की राजधानी में लगातार जो है दुष्कर्म के मामला सामने आए रहे हैं। हालात यह है कि एक स्कूल की छात्रा एक लड़का से लिफ्ट मांगा थी, वह लड़का जो है वह स्कूली छात्रा का अपने दोस्त के घर ले जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, वो जाते हैं रफू चक्कर। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हमका निस्तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में स्कूल जा रही एक छात्रा का लिफ्ट दे के बहाना एक युवक अपने दोस्त के घर में ले गया। वहाँ युवती का जो है हवस के शिकार बनाए के रफू चक्कर हो गया। जहाँ 2 दिन पहले एक छात्रा स्कूल जा रही, वहीं रास्ता में एक युवक मिला, स्कूल छोड़े के बहाना बनाए के छात्रा का बाइक में बैठाए लिए। छात्रा का लेके दोस्त के घर पहुंच गया, वहां ओके साथ बलात्कार करी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस के द्वारा बलात्कार का मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। कटारा हिल्स पुलिस के द्वारा बता भागा कि 12वीं की छात्रा शाहपुरा इलाके में रहा थी। ओके घर के पास एक मंदिर है, ये मंदिर में डीजे लगावे खातिर जो है पवन साहू नामक एक युवक आवर रहा। ओका जो है मंदिर में अक्सर आवर देख के छात्रा ओका पहचान गए। दोनों के बीच बातचीत होने लग। 2 दिन पहले छात्रा स्कूल जा रही है, दौरान जो है रास्ता में पवन ओका मिल गया, कहेस कि स्कूल की तरफ जा रही हो तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। पवन के भरोसा करत छात्रा जो है बाइक में बैठ गए। स्कूल ले जाए के बजाय पवन कटारा हिल्स इलाका में अपने दोस्त के घर ले गया, जहां उसे जोर जबरदस्ती कह के छात्रा के साथ बलात्कार करी। सो के बाद छात्रा का कऊ केहू से कुछ बतावे माँ बदनाम करे के धमकी दी। या एक दिन तक छात्रा चुप रही, लेकिन अगले दिन वो अपने भाई का पूरा वृत्तांत बताया दीस। भाई ओके भाई के साथ जो है बिटिया बाग सेवनिया थाने में जाए के मामला की शिकायत करी। चूंकि छात्रा के साथ जो है कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में जाती भय रही, ऐसे कटारा हिल्स थाना क्षेत्र भेज दी गा। और शिकायत मिलते जो है कटारा हिल्स थाना में पवन साहू के खिलाफ बलात्कार के प्रकरण दर्ज कर लिया है। निश्चित तौर पर ऐसा वारदात जो है कहो न कहो अब यह दर्शाती है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर भरोसा बेहद सोच समझ के करे चाहिए। एक अनजान व्यक्ति और जान पहचान वाले व्यक्ति माँ या आप अपना का सोचे के पड़ी कि आखिर यह व्यक्ति कौ में है, का यह हितकर है या मतलब अपने हित माँ नहीं आए। ऐसे आपन विवेक बुद्धि के उपयोग कई के बाद है लोगन के सहारा ले, नहीं तो यह में घटनाक्रम आम हो जाए और फिर काहे लाइक को न बजे। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।